मंदभागी घटना वापरी थी पटियाले विखे। हुण कई वीरां नूं इहनूं घटना नूं मंदभागी कहण ते भी इतराज है। उस जिहड़ी होई गल नूं अज भी असीं ठीक नहीं ठहराउंदे, भावें कि हुण आउण वालियां वीडियो च कई तरह के पक्ष आए आ। असीं भी इस गल की आलोचना की, मतलब भी ये माड़ा होया। देश का वसिंदा आ, जे किसी को खनामी हो जाती जिन्होंने असं दोषी कह लें, वो भी कोई ह्यूमन राइट होंगे आ, असी वह भी छिक्कियां ते टंगे। पटियाला च निहंगा ते पुलिस दे विचकार वापरी घटना तो बाद जिथे वक्खो वक्ख जथेबंदियां दे लोकां दे वल्लों अपने अपने पक्ष रखे गए, उत्थे ही अजिहा एक ताज़ा मामला सामने सोशल मीडिया ते वायरल हो रहा है, जिस दे विच सुखजीत सिंह खोसा ने कहा कि पुलिस अते निहंगा दी लड़ाई विच औरतां नूं क्यों गिरफ्तार किया गया। वायरल वीडियो दे विच उन्हां दे वल्लों लोकतंत्र ते भी सवाल उठाए गए। देखो पहला वायरल हुंदा ए वीडियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारे खालसा जी, अज सोशल मीडिया दे माध्यम राही तुहाडे दे नाल कुछ क खदशे जिहड़े पिछले दिनी अकाल चैनल दे नाल होई इंटरव्यू च भी प्रगट कीते सी, जदों मंदभागी घटना वापरी सी पटियाले विखे। हुण कई वीरां नूं इहनूं घटना नूं मंदभागी कहण ते भी इतराज है, क्योंकि एक पासे पूरा संसार कोरोना वायरस की बीमारी दे नाल प्रभावित आ, पीड़ित आ, ते दूजे पासे जिहड़ी ओह घटना वापरी, क्योंकि जिहड़ा भी कोई प्रतिक्रम आ जो तुहाडे सामने अखां नाल दिखाई दिंदा आ, तुहाडे दिमाग जिथे तुहाडा दिमाग कम करदा आ, तुसीं ओहदे उत्ते अपनी जिहड़ी आ राय रखदे आ जो तुहानूं लग रिहा आ। जदों शुरुआत च वीडियो आईआं सीगीआं उहदे तों सारा लग रिहा सीगा कि बहुत ज़्यादा धक्का होया आ, ते उस जिहड़ी होई गल नूं अज भी असीं ठीक नहीं ठहराउंदे, भावें कि हुण आउण वालियां वीडियो च कई तरह के पक्ष आए आ। पर हैरानगी उदों होई भी उस नूं बड़े जोर शोर नाल साढ़े भारतीय मीडिया ने दिखाया। असीं भी इस गल की आलोचना की, मतलब भी ये माड़ा होया। पर जिहड़ा उस एक्शन का रिएक्शन पुलिस वल्लों होना सी, उत्थे जाके असीं पहले ही खदशा जाहिर कर चुके सीगे कि किते इस एक व्यक्ति की गलती कारण पुलिस नूं अपनियां गलतियां छुपाउण दा मौका ना मिले। हो ही होया, पुलिस ने ओ जिहड़ी होई होई गल नूं जदों मीडिया दा सहारा मिल गया, पंथक जथेबंदियां दा, क्योंकि किसी का हाथ कटिया वेख के ऑटोमैटिकली हर एक बंदा उस उहदे पक्ष विच गल कर रहा सीगा वीर दे, पुलिस वाले दे, ते पुलिस ने इस गल का फायदा उठाउंदिया होया सारी घटना नूं ही दूजे पासे नूं लै गए कि उहदे विच सानूं जो नहीं ठीक लग्या, जाजतियां की होईआं, उहनां दो मावां धीआं दा कसूर की आ जिन्हां नूं असीं फड़ के लिआंदा। असीं फ्रीडम की गल करदे आं, असीं लोकतंत्र की गल करदे आं, असीं कि इत्थे लोकतंत्र नूं जां फ्रीडम नूं छिक्के ते नहीं टंगिया गया। बिना कसूर तो किसी नूं अगवा करके रखना, मेरे ख्याल सीनियर अफसर चंगी तरह जानदा, प्रशासन चंगी तरह जानदा कि इन्हां ने यही सोच लिया कि अज सारे जिहड़े कोर्ट हैगे आ, जुडिशली हैगी, उह बंद पई आ, कोई चाराजोई नहीं हैगी, ते जिहड़ी कार्रवाई पुलिस ने बाद विच कीती, जिहड़े कोई जिन्हां ने यह होई सी खनामी किहड़े हालातां च होई, हो गई सुभाविक आ कि जदों किसी दे कोई सट लग जांदी आ ते उहनूं इमोशनल व्यू मिलदे आ, उहनूं जिन्हां कोलों होई गल उन्ने दो जां चार लोक उह गड्डी विच सी उहनां नूं फड़िया जांदा, उहनां ते कार्रवाई हो जांदी, ते मेरा ख्याल किसी नूं दुख भी नहीं सी होणा। बणदी कार्रवाई कानून करे, पर होया कि उत्थों नौ बंदियां नूं पहला अरैसट किया गया, नौ सिंघां नूं अरैसट कर लिया गया, उदू बाद उहनां दीआं घर दीआं माइयां बीबियां नूं लै आंदा गया। फिर हैरानगी दी हद उदन मुक गई जिदन उहनां नूं कोर्ट विच पेश किया गया। हर जिहड़ा भी कोई देश दा वसिंदा आ, जे किसी को खनामी हो जाती जिहनूं असीं दोषी कह लैंदे आ, उहदे भी कोई ह्यूमन राइट हुंदे आ, असीं उह भी छिक्कियां ते टंगे कि कौम नूं
दिखाया गया कि तुसी जिन्ने मर्जी लंगर वंड लो, जो मर्जी इस देश वास्ते कर लो, जदों तुहाडे को किते, क्योंकि की किसी को गलती नहीं हुंदी, होरना को गलती नहीं हुंदी, जदों उन्हां नूं अदालत विच पेश कीता गया ते कलगीधर दा जिहड़ा चेहरा मोहरा आ केस सीगे उन्हां दे, उह सारे नंगे हो सीगे। इत्थों तक कि सुप्रीम कोर्ट दे आदेश हैगे कि मूँह भी ढक के रखना, इन्हां ने उह सारा जिहड़ियां इस गल दियां धज्जियां उड़ाइयां। इत्थे दो सीनियर अफसर आ, असीं उन्हां दा बड़ा सत्कार सीगा साडे मन विच कि औलख साहब ते सिद्धू साहब SSP साहब, पर जदों ये गल्लां वेखियां आ ते एकदम सट वजी आ कि एक गुरसिख अफसरां ने भी इहो जी गल कीती आ। मुकदी गल असीं बड़ी सख्त शब्दां विच ये गल कहनी चाहुंदे आ कि बहुत सिंघां दे नाल राबते हो गए ने। जे आपां इत्थे प्रशासन ने पुनर्विचार ना किया, उन्हां बीबियां नूं निर्दोषियां नूं रहत ना दित्ती, ते मजबूरन कलफू तोड़न तक दी नौबत आ सकती है, क्योंकि इन्ना ज़्यादा भी किसी दे नाल वधीकी करनी जिहड़ी ओह बर्दाश्त नहीं है। जिथे जिथे असी पुलिस की जिहड़ी कंध बन के पुलिस ने मानवता वास्ते किया, उन्हें एप्रीशिएट भी असी वार वार किया, पर यह नहीं है कि करोना वायरस के नाँ के उत्ते हुण सिखां दे उत्ते असी तशद्दुद बेकसूरियां ते, जिहदा किसी का कोई कसूर आ उन्हां तुसीं जिहड़ी कोई कार्रवाई करनी वह करो, ते पर पिछलियां जिहड़ियां तुहाडी पुलिस कोलों होईयां गलतियां मैं अज कहांगे वह भी याद करो कि जदों कि बहबल गोली चलाई सी पुलिस आपां अणपछाती करके बैठे हाँ। हुण तक कमलजीत सिंह हुणी जिहड़े सौदा साध वेरी शहीद होए आ, कि वह पुलिस वालियां दे भी घर वाले चक के लिआंदे कदे आपां? फिर गुरदासपुर जिहड़ी घटना वापरी सी नौजवान दे नाल, उहदे जिहड़े पुलिस वालियां ने गोली चलाई सी उहदे घर वाले, ते होर थावां थावां ते पिछले 90 दे दहाके विच 84 दे दहाके विच आपां मूँह विच पिस्तौल रख के गोलियां मारदे रहे हां, ते आपां चाहुंदे आ मेरा ख्याल हुण भी यही गल करनी आ, ये बर्दाश्त तो बाहर आ, ये लोक ना तंत्र दा जनाजा कढ़िया गया आ जिहड़ा नजायज बीबियां नूं गिरफ़्तार किया। सो समां रहिंदिआं इहनू इस कार्रवाई नूं वापस लिया जाए, तो निर्दोषियों नूं रिहा किया जाना जरूरी है। तो फिर की होया कि जिन्हां लोकां ने उन्हां दे, क्योंकि कहिंदे आ ना कि इत्थे चार थामां लोकतंत्र दे, मीडिया चौथा थामां, तो जे किसे सिख नौजवान पत्रकार वीरां ने उहदे आवाज़ उठाई तो आपां उन्हां नूं भी चक्के जेल पाता, वह भी सानूं वापस लेने पैणगे। सो इस करके ये जिहड़ी लोकां दी आजादी दे उत्ते डाका आ, शरेआम डाका आ, तुसीं कहिंदे आ कि असीं बहुत वड्डा लोकतंत्र आ, जाके देखो अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन, होर देशां दीआं जिहड़ियां पुलिस फोर्स हैगियां वह किहड़े ढंग तरीके नाल कम करदियां। जे देखो तुहाडे इक पुलिस वाले दा हथ वड्या गया ते दिल खोल के लोकां ने पुलिस दे नाल हैल्प कीती, भावें कि तुहाडे कोलों पिछे बहुत वड्डे वड्डे गुनाह होए हुए आ, पर तुसीं हमदर्दी डांग दे जोर नाल लैणा चाहुंदे आ, डांग दे जोर नाल ते विरोध होऊगा, क्योंकि साडा सुभाअ ही आ मन्नू साडी दात्री असीं मन्नू दे सोए, ज्यों ज्यों मन्नू वड्डदा असीं दूणे चौणे होए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो दोस्तों तुसीं वी देखिआ कि किस तरह वायरल वीडियो दे विच सुखजीत सिंह खोसा ने निहंगा दे हक विच अपना पक्ष रखदे होए सरकार ते औरत दी गिरफ्तारी अते अदालत विच निहंगा दा नंगे सिर पेश करन ते वी सवाल उठाए ने। उन्हां दा कहना है कि बहुत सारे सिखां नाल अजिहियां घटनावां हो चुकियां ने अते फिर मजबूर हो के इस करफ्यू नूं वी तोड़िया जा सकदा है, क्योंकि उन्हां दा मनना है कि महामारी दी बीमारी दी आड़ च पुलिस सिखां नाल नजायज़ कर रही है। सुखजीत सिंह खोसा दे इस बयान तो बाद हुण देखना होवेगा कि सरकार, सियासी अते होर जथेबंदियां दे लोकां दा की रुख होवेगा, इह तां आउण वाला समां ही दसेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एवन पंजाबी TV। 2.5-3 महीने इस्तेमाल करन तो बाद गोडे भी ओके, मोडे भी ओके। जे तुसीं भी किसे इस तरह दी बीमारी तो परेशान हो ते बेझिझक हो के इस नूं इस्तेमाल करो। सिर्फ 2.5-3 महीने ये 125 बीमारियां तक दे इलाज कर सकदा है। फीर लीफ हमेशा याद रखो। बस
कुछ दिनों तो मैं बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी। मैं मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दसिया, मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर पर अप्लाई किया, ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है, यदा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मेरे बाल जड़े गंजपन पैना शुरू हो गया से वो दोबारा आने लग गए, तो मैनू तो बड़ा फायदा दिता इसने। जे तुहानू भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का तुसी सामना कर रहे हो तो यह तेल लाना ना भूलो। कितना कितनी असं अपने बालों करके शर्म फील करते हैं, कितनी सोसाइटी बैठे हैं कि कोई मजाक ना कर रहा है, पर थैंक्स टू फ्री लीफ जिन्हें मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, जिसे लगाने नाल मैं मार्केट चुन बड़ा ही कॉन्फिडेंट हाँ और ये मैं बड़ा फायदा होया। तो मैं सर्वाइकल की भी दिक्कत सी, तो वह भी मैं बड़ा रिलीफ मिले। ये यूज़ करो तो मैं प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा।